देखो ऐसा है कि कैजुअलिटी में ड्यूटी दिए थे ना, ठीक है, मकबूल के साथ वहां पे सबको पेंट अप इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं तो स्पाज्मोफोर्ड चलेगा। आई एम एक सिनेरियो है, जैसे हम लोग सारे डॉक्टर्स से पेशेंट्स देखते हैं रोज, राइट। आप सोचिए कभी ऐसा हो कि ये बॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटीज जो हैं ये कैजुअलिटी में हो, ये वार्ड्स में हो, कोई डॉक्टर हो, कोई जो है हमारे नर्स हो, कोई कुछ और, कोई अटेंडेंट, तो कैसा रहेगा। सबसे पहले अमरीश पुरी साहब ओपीडी में बैठे हुए हैं, तो एक लेडी आती है अमरीश पुरी के साहब के पास और कहती है, डॉक्टर साहब डॉक्टर सर। अमरीश पुरी परेशान, अरे मुझे समझ में नहीं आता, मैंने एमएस कर लिया, मैंने डीएमबी कर लिया, लेकिन ये ससराय टासराय वाले वर्ड किसी किताब में नहीं लिखे। थैंक यू सो मच। अब देखो क्या है ना कि वहां पे क्योंकि ये कंसल्टेंट है ओपीडी में है, तो एक इंटर्न भी रखे हुए हैं। इंटर्न है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो पेशेंट को पेट में दर्द है, नवाज साहब कहते हैं कि नमस्ते साहब, साहब इसका पेट में दर्द है ना, मेरे को लगता है इसका पेट में था इंटरसस्पेक्शन हो गया है, आप इसका मस्त इलाज कराइए। अभी आगे इमरान खान साहब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो दूसरे यूनिट के हेड है, लेकिन उनको शादी में जाना है, तो वो अपने कलीग्स को जो जूनियर्स हैं इंटर्न्स हैं उनको समझा रहे हैं कि पेशेंट आएंगे, इमरजेंसी पेशेंट आएंगे, तो उनको क्या करना है। इमरान खान साहब एक्सप्रेशन देखिएगा, देखिए जी सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बता देनी है जी कि जब आपके पास पेशेंट आएगा जी, आपने पेशेंट को रेफर कर देना, ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है जी, यहां से किसी पीएचसी में भेज दे, ठीक है जी। थैंक यू। अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और कहते हैं, नमस्कार देवी और सज्जनों, भाई अमिताभ बच्चन। देखिए भाई साहब, अरे भाई साहब प्लीज मेरी जो है बात सुनिए, ये बच्चा जो है हमारा अभिषेक भैया बीमार हो गया भाई साहब, कुछ तो रिश्ते में तो हम जो है उनको पूछते हैं कि आप क्या लगते हो, रिश्ते में तो हम इनके जो है आए समझ गए भाई साहब, आप लगते हैं। राजपाल यादव आते हैं, दौड़ते दौड़ते उनको ढूंढना होता है कि टिकट काउंटर कहाँ है। अरे भैया, अरे भैया हमारी बात सुन लो भैया। अमरीश पुरी, अरे भाई अब तू ऐसे क्यों आ रहा है। अरे भैया हमको बता दो शॉर्ट स्टे एडमिशन कहाँ बनता है भैया, अरे हमको अपने पेशेंट को एडमिट कराना है। उसके बाद शाहरुख खान साहब आते हैं कैजुअलिटी में, ये एक ऐसे डॉक्टर है ना, इनको कोई भी तकलीफ बता दो ये इसको दिल की बीमारी मानते हैं, क्योंकि ही इज वेरी रोमांटिक, राइट। शाहरुख खान को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मिसेस सिकनेस करन बैग, हमें जान क्या करते, देखिए अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे सीने में दर्द हो तो वो दिल का दर्द होगा, वो दर्द होगा जो काजल वाला दर्द होगा। अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसको किसी और जगह पोस्टेड करा दो भाई, ये यहाँ पे पंगे कर देगा। उसके बाद सैफ अली खान साहब आते हैं, इंटर्न होते हैं, अब ये इनको ये टेंशन है कि यार कल पेशेंट बहुत होंगे, कैजुअलिटी है, लेकिन कैजुअलिटी में आते तो उस दिन ईद होती है, पेशेंट्स कम होते हैं। इज लाइक वेल, अरे वेल यार यहाँ तो पेशेंट ही नहीं है, मैं तीन बार लेज कर सकता हूँ यार, लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ। वेल नाना पाटेकर साहब जो है सफाई कर्मचारी है, लेकिन उनको बड़ा बुरा लगता है जब कोई कचरा नीचे फेंक देता है, कोई भी एक एक भाई साहब आए उन्हें कचरा फेंका, नाना पाटेकर साहब इज लाइक अच्छा है। अरे क्या तरीका है ये, क्या तरीका है मजनू, कंट्रोल होता है कंट्रोल, अरे ऐसा कैसे कचरा फेंकता है भाई, कंट्रोल होते। इरफान खान साहब आते हैं, उनको अब कोई बोलता है कि भाई साहब आप ही बता दो सही रास्ता कहाँ है, कहाँ पे यूएससी करानी है, एमआरआई कहाँ पे होता है। इरफान खान कहते हैं, देव गुरु देखो बेटा ऐसा है तुमको जाना है यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के, समझ रहे हो, हाँ गुरु यहाँ से ऊपर जाओगे वहाँ पे तुमको रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा, समझ रहे हो,
तो तुम्हारे पेट पे लगाएगा क्रीम, तो इतना बहुत ठंडी होती है क्रीम, समझ रहे हो, मजा आ जाएगा। हाँ, अब पंकज त्रिपाठी साहब, पंकज त्रिपाठी को सारे लोग जानते हैं, तो वो भी एक डॉक्टर है। अब वो पेशेंट को बता रहे कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये पेशेंट है, क्या दलील, क्या चीज़ है बासु? अब पंकज त्रिपाठी को इनने ये कह दिया, ये पंकज त्रिपाठी अपने ओपीडी में बैठे हैं, इज लाइक देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा है इनके पेट में दर्द है, तो मकबूल इनके लिए चूर्ण ले जाओ, ठीक है ना, और शाम को बाबूजी के पांव में मोच आ जाए तो उनके तेल भी लगा दियो, ठीक है ना, बहुत। इसके बाद संजू बाबा आते हैं, इज लाइक अरे मामो, अरे अपुन का एक सवाल है रे मामो, वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? सुनील शेट्टी साहब जो है वो सर कहाँ है, इकबाल सर कहाँ है, चले गए, माई बैड लक। तो सुनील शेट्टी आईसीयू में है क्योंकि इनका पेशेंट ज्यादा सीरियस है। पेशेंट का नाम है अंजलि, सुनील शेट्टी उनकी बेड पे बैठे हैं, पेशेंट के कुछ खास सही चल नहीं रहा। सुनील शेट्टी इज लाइक अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अर्जुन अर्जुन मैं तुम्हें भूल जाओ से हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ से मैं हो नहीं दूंगा अर्जुन। तो अजय देवगन वहां पे डॉक्टर होते हैं, अजय देवगन उसे कहते हैं एक्सक्यूज मी भाई साहब, अगर पैसा दे के किसी की जान बच सकती तो कभी नहीं बढ़ते। मैं एक शेर कहना चाहता हूं, इसके बाद तुम्हारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। कौन सी दवाई दोगे मेरे पेशेंट को, कौन सी दवाई दोगे? मैं तुम्हारे पेशेंट को एक ऐसी दवा दूंगा, एक तो वो ठीक भी होगा और उसके बाद सुबह केसरी भी बोलेगा। त्रिपल पान मसाला PID for 7 days, खूब के ग्लास में मिला के खाना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आसन सर, और गुड ब्रो, आसन सर के साथ मैंने ड्यूटी थी लास्ट ईयर। हाँ नहीं, इन्होंने अच्छी चीजें बताई मुझे। देखो ऐसा है कि कैजुअलिटी में ड्यूटी दी अच्छी ना, ठीक है, मकबूल के साथ वहां पे सबको पेंट अप इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं तो स्पाज्म फोर्ट चलेगा। आई एम सो मुझे बहुत मजा आ रहा है, दिस इज ऑल लाइक दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड राइट, मुझे मजा आ रहा है। हाँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो आते हैं प्रिंसिपल, वो कहते हैं व्हाट अ बिजी डे, यार मेरे को ना समझ में नहीं आता ये सारे लोग ऐसे भीड़ करके अस्पताल में क्यों खड़े। अरे भाई ये सारे पेशेंट है। अच्छा ये पेशेंट है, ये अस्पताल है, मेरे को लगा पोस्ट ऑफिस है, आई एम सो सॉरी। उसके बाद राहुल गांधी अचानक आ जाते हैं और कहते हैं ये पेशेंट है, देखिए देखिए भैया हम वो आटा खाते हैं जो आटा 42 रुपए में 1 लीटर आता है। अरे भाई, अरे पप्पू जी, आटा लीटर में नहीं होता है, अरे भाई आटा सेंटीमीटर में होता है। केजरीवाल जी आते हैं और कहते हैं ये भ्रष्टाचारी हैं जी, आप चार्जशीट फाइल करो जी, सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनको सबको इन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला होगा जी, आप करिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए।